फलाफल एक मिडिल ईस्टर्न डिश है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। ये एक डीप फ्राइड स्नैक्स है जो कि काबली चने से बनाया जाता है। काबली चने को रात भर भिगोकर फिर उसे कोर्सली पीस कर उसमें हल्का मसाला मिलाकर डीप फ्राई करते हैं और इसे ताहनी के साथ सर्व करते हैं। ताहनी तिल की चटनी होती है, मगर मैं आज इसे अपने देसी स्टाइल में बनाऊंगी और धनिया के पत्ते के चटनी के साथ सर्व करूंगी। हेलो फ्रेंड, मैं हूं नेमत, मेरे साथ बने रहें। तो चलिए बनाते हैं फलाफल। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट को और याद रखें इसके स्टेप्स को। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ड्राई काबली चना इस तरह का होता है और ये फूलने के बाद ऐसा हो चुका है, तो अब इसे हम पीस लेंगे। इसके लिए हमने इसे फूड प्रोसेसर में डाला है। चीज़ें डालनी होंगी तो मैंने यहाँ पर 8-10 कलियाँ लहसुन की डाली है, 3 हरी मिर्च है जिसे तोड़कर, 1 बड़े प्याज से कुछ टुकड़ा मैंने काट कर डाला है, कुछ टुकड़ा अदरक का है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर आटा डालें। ये फलाफल की अच्छी सी बाइंडिंग करेगा और उसे टूटने से बचाएगा। 1/4 टीस्पून से भी कम बेकिंग सोडा है, यहाँ हमें बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। अब इसे थोड़ा सा चला लें और फिर रुक रुक कर पीस कर इसे थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेना है। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पकने के लायक हो चुका है। इसे आप देखें कितनी आसानी से इसकी बाइंडिंग हो रही है। और इसे मैं अब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी और उसके बाद इसी तरह से इसे गोल गोल बनाकर डीप फ्राई कर लेना है। दोस्तों, मैंने इसे 10 मिनट के बाद ही फ्रिज से निकाल लिया है। आप इसे देर तक रख सकते हैं, मुझे वीडियो शूट करना है तो मेरे पास वक्त नहीं था। अब मैंने एक तरफ कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख छोड़ा है। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है तो अब यहाँ पर हम अपने फलाफल को डालते जाएंगे। मीडियम आंच पर इसे तलना है। फलाफल को ताहिनी के साथ खाया जाता है और मेरे चैनल पर ताहिनी की रेसिपी भी मौजूद है। मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। धीरे धीरे फलाफल अपने कलर पर आ रहा है, मुझे इसे लाइट ब्राउन पकाना है, मगर ये ज़रूर ध्यान रखना है कि फलाफल बाहर से तो क्रिस्प हो जाए, अंदर से कच्चा ना रहे। इसके लिए हो सकता है कि आपको फ्लेम को धीमा और तेज करना पड़े। देख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि फलाफल बिल्कुल अपने हिसाब से दुगना ये फूल चुका है। तो दोस्तों, आपने देखा ये फलाफल कितनी आसानी से बन गया है। तो आप भी इसे बनाएं और जब आप इसे खाएंगे तो आप इसका टेस्ट महसूस करेंगे। और देखिए, ये देखने से ही कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसे आज मैं देसी हरी चटनी के साथ सर्व करूंगी। तो आप भी इसे बनाएं और एक फलाफल तोड़कर देखते हैं। कितना मॉइस्ट और कितना ये नरम बना है आप देख सकते हैं।
इसे बनाने से पहले एक डिपिंग सॉस का ज़रूर इंतज़ाम कर लें, क्योंकि ये बाय नेचर थोड़ा ड्राई होता है। आप इसे हंग कर्ड के साथ, मेयोनीज के साथ या टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इसे बनाएं, एक बार ट्राई करें और अगर पसंद आए तो अपने जानने वालों के साथ इसकी रेसिपी को शेयर करें। उम्मीद है ये किसी को भी मायूस नहीं करेगा। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।